गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं CST। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन। सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आज पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य बड़े मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। के साथ खेलना शख्स को पड़ा महंगा, दोनों की चली गई जान। एक सनकी शख्स को जहरीले कोबड़े सांप को पकड़कर उसका दांत चाकू से तोड़ना महंगा पड़ गया। शख्स के इस पागलपन से दोनों की जान चली गई। दांत तोड़ने जाने के कारण सांप की मौत हो गई और सांप के काटने से शख्स की भी मौत हो गई। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी। फिर मिले 640 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5,838। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी कर दी गई है। इस अपडेट के अनुसार कोरोना के 640 नए मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या पटना जिले से आ रही है, जहां कोरोना के 273 नए मरीज। सुपौल में महिला जवान को लगी गोली, राइफल साफ करने के दौरान हुआ हादसा। सुपौल में महिला जवान को गोली लग गई है। यह घटना राइफल साफ करने के दौरान हुआ। यह घटना सुपौल के त्रिवेणीगंज की बताई जा रही है। नीतीश ने लोहिया पथ चक्र का किया जायजा। 49 रास्ते वाला प्रोजेक्ट अगले साल के अंत में होगा पूरा। राजधानी पटना में नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोहिया पथ चक्र का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लोहिया पथ चक्र के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री आज पथ निर्माण विभाग के पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट का काम देखने निकले। लोहिया ग्राम अगले साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 18 तबलीगी जमातियों को हाईकोर्ट से मिली राहत। आपराधिक मामले रद्द, देश भेजने का आदेश। लॉकडाउन के दौरान 18 विदेशी तबलीगी जमातियों को पकड़ा गया था। इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने मामला रद्द करने का निर्देश दिया है, साथ ही साथ विदेशियों को उनके देश भेजने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। सुशासन की पुलिस का खुलासा के नाम पर तमाशा। कहां गया लूट का 10 करोड़ का सोना और अपहरित कारोबारी भाई कहां गए। बिहार की दो बड़ी घटनाओं में सुशासन की पुलिस फेल साबित हो रही है। पहली घटना में सुशासन की पुलिस का खुलासा तमाशा बन गया है और दूसरी वारदात में पुलिस को अब तक अपने आप को तेज तर्रार कहने वाली वह परीक्षा में शून्य अंक लाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बड़ी वारदात में पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जेडीयू को दिया बड़ा झटका। 6 विधायकों को भाजपा द्वारा तोड़े जाने पर सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन है, लेकिन भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में जनता दल को तगड़ा झटका दिया है। उनके 6 विधायकों को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार की पार्टी के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लेने के बाद राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचेत कर दिया है। वहीं बीजेपी द्वारा अपने विधायक तोड़े जाने पर सीएम नीतीश कुमार का बयान आया है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र के 10 केंद्रों पर शुक्रवार को 2 पारियों में SSC मेंस की परीक्षा का आयोजन। SSC मेंस परीक्षा 2 पाली में आयोजित परीक्षा में पहली बार सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक और दूसरी पाली 2:04:15 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान COVID-19 के बचाव की सभी गाइडलाइन भागलपुर जिले में पालन की जा रही थी। 100 करोड़ गबन करने में 3 बैंक कर्मियों पर मुकदमा दर्ज। भागलपुर को कलंकित करने वाले सृजन घोटाले मामले में एक बार फिर से आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सृजन घोटाले में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की अवैध रूप से निकासी मामले में DM के निर्देश पर जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने 3 बैंक कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया है।
नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747।